हेलो स्टूडेंट्स, इसमें को इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? दो प्रोजेक्टाइल्स हैं और अलग अलग एंगल्स पर इनको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, विद द सेम स्पीड। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो पहले हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। और दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो क्या है? सेम है, बस एंगल अलग अलग है। तो यू स्क्वायर सेम लूंगा और दूसरे के केस में एंगल अलग ले लिया, बाकी सारी चीज सेम ले ली। अब आपको क्वेश्चन में दोनों जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g और 2g भी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर फाइव। थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो, ये 1/4 ओवर ये आ जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1/3 आ जाएगा, मतलब 1:3 आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है।